खूबसूरत बयान फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि अगर किसी की आंख उसकी शहवत पर गालिब आ जाए वो फरिश्तों से ज्यादा अफजल है, और किसी की शहवत अगर उसकी आंख उस पर गालिब आ जाती है तो वो हैवानात से ज्यादा अफजल है। ये तवील उनवान है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हवाला दे के बोल रहा हूँ। इलाज शराय में शेख उद्दीन वाले रहमान ने महसूस किया है। तो आज ये कह रहा हूं कि इंसान जिस तरह जिस्म और रूह का मुरक्कब है, इस तरह परवरदिगार ने दो चीजें इंसान को अता की है, आत्मा और शहवत। बाशऊर इंसान, मुतदय्यन इंसान, मुत्तकी परहेज़गार इंसान, इन दोनों में से किसका इंतखाब करता है? आकल का इंतखाब। क्योंकि आप इंसान को गुमराह होने नहीं देती, आप इंसान को गुमराह नहीं होने, आप के मुकाबले में क्या है? जहल। आप के मुकाबले में क्या है? जहल, या यूं कहूं दीवानगी, दीवानगी और जहल। आज खिदमत यह है कि आखिर को यह फजीलत क्यों है और आखिर क्यों है और जहल जहल। कहते हैं बारगाहे परवरदिगार में जब चीजें वदा हो रही थी, नहीं खल्क हो रही थी, तो परवरदिगार ने अब से कहा आ गया, आप आ गया मेरा कुल से कहा पीछे हट जाओ, आप भी पीछे हट गए। चूंकि तुमने मेरी इताअत की है और तुम इताअत की मंजिल पर हो, लिहाजा तुम आज से आप लो। फिर उसके बाद जहल से कहा गया, जहल तुम आ गया, जहल आगे बढ़ गई। जहल से कहा गया तुम पीछे हटो, आगे आ गई हूं पीछे नहीं हटूंगी। कहा क्योंकि तुमने हुक्मे परवरदिगार को मानने से इनकार किया, मुनकर हुई, लिहाजा आज से तू जहल। तो नतीजा यह निकला कि जो ऐने अक्ल के काम करेगा वो दुनिया भी पशेमानी से भी महफूज रहेगा और आखिरत में भी निजात पाएगा। और जो खिलाफ अक्ल यानी जहर की बुनियाद पर कामों को उम्रों को अंजाम देगा वो यहां भी बर्बाद होगा और वहां भी बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि अक्ल वो है कि जिसे परवरदिगार ने अपनी बारगाह में शर्त बख्शा है, और जहल वो है कि जिसे परवरदिगार ने अपनी बारगाह से राटा दरगाह कर दिया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आले मोहम्मद और शैतान, कि आले मोहम्मद को अपनी बारगाह में बुजुर्गवारी दे दी और शैतान को अपनी बारगाह से दरगाह कर दिया। तो अब जो आले मोहम्मद के रास्ते पे चले वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है, और जो शैतान के रास्ते पर अमल करे वो दुनिया में भी खजाने में है और आखिरत में। और बुग़्ज़े अहले बैत ऐने जहल। याद रखें जुमले को, अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत का इजहार करे समझ लीजिए कि ये अपने अक्ल के पैरों है, और अगर बुग़्ज़े अहले बैत में मुब्तला हो तो समझ लीजिए कि जहल कर रहा है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान को गुमराह होने नहीं देती, और अगर कोई किसी भी उनवान से हम ये देखें
कि अगर हम किसी भी उन्वान से इस बात को महसूस करें कि अगर कोई गुमराह हो जाता है तो उसके असबाब देखे जाएंगे कि था तो अहले बैत पे चाहने वाला, वजह क्या बनी कि गुमराह हो गया। तो असबाब देखे जाएंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि अहले बैत का वो मुहिब था इसलिए गुमराह था, नहीं। मौला तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मौला का याद करिए कि दुनिया को देखो, अगर अलहदा रास्ते पर अली तो ना अलहदा रास्ते पर, तो अली के रास्ते पर चलना दुनिया के पीछे नहीं चलना कि अली तुम्हें दुनिया में गुमराह नहीं होने देंगे। आले मोहम्मद का रास्ता इल्म का रास्ता है, आले मोहम्मद का रास्ता तक्वा का रास्ता है, आले मोहम्मद का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता ऐन अक्ल है, यानी आले मोहम्मद का रास्ता ऐन अक्ल। अब ये जो गुमराह नजर आते हैं या किसी गुनाह में मुब्तला नजर आते हैं, ऐसा नहीं, इसके असबाब क्या हैं? इसके असबाब ये हैं कि मवद्दत अहले बैत तो लगता है लेकिन सीरत अहले बैत का पैरो नहीं है। समझे आपकी मवद्दत आप लोग, मुझे गुजारिश करूंगा कि बड़ा मेहरबानी अपने मोबाइल आप लोग जो है वो साइलेंट पे कर लें, क्योंकि दरमियान में जब ये सोचती है तो मतलब जो है वो कहीं से कहीं निकल जाता है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। मैं याद कर रहा हूं कि मोहब्बत अहले बैत तो रखते हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि इंसान की अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं, इंसान गुमराही में मुब्तला होता है? उसकी वजह यह है कि हम अहले बैत को तो मानते हैं, अहले बैत की नहीं मानते। ये बारीक सा रास्ता है जो हमें अहले बैत से जुदा करता है। हम अहले बैत को माने और अहले बैत की भी माने तो फिर बुजर अबुजर बन जाता है, सलमान फारसी सलमान मोहम्मदी बन जाता है। अहले बैत को माने, अहले बैत की भी माने। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा है क्या करना है? तबिउनी, अल्लाह के रसूल की इताअत। और अल्लाह के रसूल की इताअत उस वक्त तक कामिल होती नहीं जब तक आले रसूल की इताअत ना हो जाए। जब तक आले रसूल की इताअत ना हो, आले रसूल की मोहब्बत इंसान को गुमराहों से निजात दे, इंसान को गुनाहों से निजात दे। आले मोहम्मद वो हस्तियां हैं कि जो अंबिया के जिनसे तरके औला हुआ 40-40 साल रोते रहे, निजात मिली तो आले मोहम्मद के तवस्सुल से, निजात मिली तो आले मोहम्मद के वसीले से। तो नबियों की दुआएं, जब नबियों की तौबा आले मोहम्मद के वसीले के बगैर कबूल नहीं होती तो उम्मतियों की भला कैसे हो सकती है? अल्लाह ने जो मुतालबा किया है इंसानों से, ये नहीं कहा कि फलां से मुसलमानों से जो मुतालबा किया है किस चीज का, कहां हक़े अहले बैत, हक़े रिसालत, हक़े अहले बैत, हक़े जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। बड़ी
संगीन बीमारी में मुबतला थे और इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके खानवादों में उनकी बहनों ने बड़ी उनकी खिदमत की। अब देखें, मां के बाद अगर कोई चाहने वाली होती है तो बहन होती है। मां के बाद बात लोग शिकवा करते दिखाई देते हैं, आका साहब हमारी बहन ने हमारे हक में गलती की। भाई जान मोहतरम, अपनी बेटियों की ऐसे तरबियत करें क्या कहने कि वो चूंकि कनीजाने जनाबे जनाबे कुबरा ऐसी तरबियत करें उनकी कि जिस तरह से ज़ैनब शरीकतुल हुसैन बन गए हैं, इसी तरह से बहने अपने भाइयों के लिए सहारा बन गए। माँ के पास अगर कोई जाने वाली है वो बहने बहुत इन्ना लिल्लाह जो आया उसको जिनके लिए कायनात सजाई गई। अल्लाह जाहिर जब वो दुनिया में ना रहे तो अल्लाह कौन रहेगा? बिलाखिर अव्वल व आखिर जान है। आज हम किसी के सारे सवाब में शिरकत कर रहे हैं, खुदा करे कि हमारे लिए भी कोई साथ सवाब करने वाला हो। ये नेकियां हैं मरने के बाद जो इंसान के काम आती हैं। जितनी इबादत और नेकियां हैं उनमें सबसे ज्यादा अफजल इबादत और अफजल नेकी है मजलिसे इमाम हुसैन। आप पूरी दुनिया में तकाबुल कीजिए या तहकीक कीजिए, पूरी दुनिया के जितने भी अदियान हैं और पूरी दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, वाहिद मतलब अहले बैत है कि जब हमारा कोई मरता है तो भी हम इमाम हुसैन को ही याद करते हैं कि वही हमारी बख्शिश के, वही हमारे निजात दहिंदा। इन्ना हुसैन मिसबाह होता व सफीना तुश्ना। जब हम इमाम हुसैन की कश्ती निजात पर सवार हो गए, जब कश्ती हुसैन की हो तो बेड़ा पार होगा, बेड़ा गर्क नहीं, मेरा पारी हो। वरना जो यजीद का हिमायती हो, जो यजीद का हिमायती हो, उसकी मिसाल ऐसे है कि कश्ती साहिल पे ही डूब जाए। कश्ती साहिल पे लिहाजा अपने लिए मशले राह उन हस्तियों को करार देने की जरूरत है जिन्हें अल्लाह ने मशाले राह बनाया। दुनिया के लिए आओ, आले मोहम्मद का रास्ता निजात का रास्ता, आले मोहम्मद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक आले मोहम्मद से मोहब्बत को साबित ना कर दिया जाए। कोई इंसान ना कोई पहले ना कोई आज ना कोई हमसे बाद में, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने मासूम पैदा किया, कोई मासूम, सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई इतनी सीधा किसी ना यकीन गलती सरसर हो जाती है। इंसानियत से मोहब्बत कीजिए। हमारी मुसलमानों की जो तबाही है अगर उसके असबाब पर निगाह की जाए, ये अलग मौजूद है लेकिन सर इसका सहारा लेते हुए बताऊं, लेकिन मुसलमानों की तबाही के असबाब की तरफ निगाह की जाए तो उसके जो आपको असबाब बताएंगे उसमें अहम तरीन वजह जानते हैं। हम दूसरों से वो पूछते हैं या वो चाहते हैं जो खुदा हमसे चाहते। मसलन हमें अपनी नमाज की नहीं दूसरे की नमाज की परवाह ज्यादा होती है। अब चाहे वो कोई हाथ बांध के और हाथ खोलने की नमाज में बहस कर रहा हो
चाहे वो तशहुद में ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना इस मौजू पर बहस कर रहा हो, हर दो तरफ आप देख लीजिए कि आपको ऐसे ही अपराध कि जिनका ना नमाज से ताल्लुक होगा ना मुसल्ले से, वो ही ऐसे अपराध हो दोनों तरफ में देख लीजिए, आप हर जहद से देख लीजिए, वो ही अपराध ऐसी अबहास में मुबतला नजर आते हैं कि जिनका जो ना नमाज से ताल्लुक है ना मस्जिद से। लेकिन मुआशरे में भारत शैतान तो अपना रोल प्ले कर रहा है, शैतान ने तो अपने कारिंदे छोड़े हुए, तो वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं कि जो अच्छे भले इबादत गुजार को क्या करते हैं, तंग करते हैं, उसकी इबादतों को खराब करते हैं। तुम्हें हाथ बांध के नमाज पढ़ना चाहिए, हाथ खोल के नमाज पढ़ना चाहिए, अगर हम लोग आपस में बात करें तो ये पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभाव है ना अच्छे सीखा है, जो हमने अपने बुजुर्गान से सीखा है उलमा ने कहा लिहाजा ये हमारा मौजू नहीं, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी ये अल्लाह पूछेगा अल्लाह किसको मानते हो किसको नहीं, हाँ कौन पूछेगा, ये अल्लाह का सवाल समझेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से सवाल करते हैं और फिर इन्हीं मसाइल में उलझ जाते हैं और एक दूसरे से इजहार बरात करते हैं। खुदा के नजदीक एक ही मजहब है जो कि मुहज़्ज़ब है, क्या कहते हैं वही मजहब मुहज़्ज़ब और वो है इंसानियत, वो है इंसानियत। अल्लाह के रसूल ने हातम ताई की औलाद का भी एहतराम किया कुफर की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस बुनियाद पर कि इसके अबाव अजदाद राह खुदा में लोगों की मदद किया करते थे। अल्लाह के रसूल ने एहतराम किया उनकी औलाद वसीर हो गया, तो अल्लाह के रसूल का इकराम बता रहा है कि बहरहाल खुदा की बारगाह में ऐसे अफराद का इकराम है कि जो इंसानियत का एहतराम करते हैं। सबसे बड़ा मजहब वही है जो कि मजहब है और वो कौन है, आप देखिए इंसान हल अता इंसान हल अता अल इंसान कहीं को भी लगता है जाए तो इंसान किस चीज पर इतरा है, किस चीज पर तकबुर करता है, कितनी औकात क्या है, कितनी हैसियत क्या है, कितनी सुलता कैसे हुई है। जरा अपने इब्तदाई मराहिल की तरफ निगाह कर, जब तू आदम की हालत में था आदम से बुजुर्ग पाया ना इंसान ने, जब तू आदम की हालत में था तो किस हालत में था, लेकिन यही इंसान जो अपनी हैसियत अपनी औकात भूल जाता है तो फिर वो एक वक्त ऐसा रहता है कि वो फिरौन की तरह खुदाई का दावा करता है। खुदाई का दावा करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई ये कहे कि मैं खुदा, लोगों के किरदार से उनकी रफ्तार से अंदाजा हो जाता है कि इनके अंदर फिरौनियत पाई जाती है, यानी कि वो बातें करते हैं या वो सवाल करते हैं जो खुदा के नजदीक है, खुदा के मामला। इंसान को इंसान से कैसा ताल्लुक रखना चाहिए जो आज मोहम्मद को रखता है, और वो ताल्लुक इंसानियत का ताल्लुक, इंसान कामिल अगर कोई बन सकता है तो वही बन सकता है जो ईमान कामिल रखता हो कुल्ले ईमान पर, जो ईमान कामिल रखता हो कुल्ले ईमान पर, जिसका कुल्ले ईमान पर ईमान कामिल होगा वही तथाकथित इंसान होगा, वरना कहलाने को तो हर इंसान देखने में तो इंसान ही नजर आता है, लेकिन इंसान होना और है और इंसान नुमा होना ऐसे नहीं था। फरिश्तों से ज्यादा अफजल है जो आले मोहम्मद की सीरत पर मक्तूब है और हैवाना से ज्यादा बदतर है जो बुग्ज है जो बैठा माना याद कब्र की तैयारी कीजिए। जब इंसान हालत इंतजार में होता है, जान कहीं की हालत में होता है,
मोहब्बत अहले बैत काम आती है। रिवायत अल्लाह के रसूल की जनाब सैयदा की मोहब्बत 5 मकामात पर काम आती है। 100 मकामात में से ये 5 आसान तरीके बता रहा हूं। 100 मकामात में मोहब्बत अहले बैत इंसान को फायदा देती है, मुझे 5 उन 5 में से एक की तरफ आप ये तवज्जो के बाद वहां पर तफसील करें। वो एक ये है कि हालत इंतजार जब इंसान होता है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सलमान हालत इंतजार में जब कोई बंदा होता है तो कर की हालत, खौफ की हालत, बेचैन होता है, सिवाय उसके कि जिसके दिल में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है, सिवाय उसके। हर इंसान कर की हालत में होगा, खौफ ज्यादा होगा, लेकिन जिसके दिल में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल में इरशाद फरमाते हैं वो इत्मीनान की कैफियत में है। लेकिन उसने किसी मोमिन का दिल ना दुखाया। अब मेरा सवाल है, जनाब सैयदा कौन है? उम्मुल आइमा। ठीक है, अजीब बात है, लोगों को उम्मुल मोमिनी तो नजर आती है लेकिन उम्मुल आइमा से हजार हा बुजुर्ग है, हर एतबार हर जहद से उम्मुल आइमा यानी जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिस जहद से भी देखें आपको कमाल ही कमाल नजर आएगा। जनाबे सैयदा की जनाबे सैयदा उम्मुल मोमिनी यकीनन अहले ईमान की मां, हम सब की माओं से अफजल मां है जनाब ज़हरा, हमारी हजार माए कुर्बान जनाब ज़हरा की अज़मत, कोई तकाबुल नहीं। खुदा की कसम कायनात में ऐसी कोई बीवी पैदा नहीं हुई जैसी जनाब ज़हरा, और फातिमा फातिमा है ही इसीलिए क्योंकि वो अपने चाहने वालों को निजात देंगी आती से जहां। लेकिन किसको? सवाल एक अक्ल की बुनियाद पर कर रहा हूं, इसका जवाब आप खुद ही तलाश कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान। एक मां के दो बेटे, एक मां के मसलन दो बेटे, दोनों में किसी बात पर इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हो गया, मां जाती है इनमें से एक हक पर और एक बातें पर, मां किसका साथ देगी जबकि वो है मां कर भी है दोनों, लेकिन मालूम कर लिए एक हक पर एक बातें पर। अगर मां मुनसिफ है तो हक वाले का साथ देगी और जो बातें पर है उसको कहेगी तुम गलत हो, अब फैसला कर। जब हमारी और आपकी मां इतना इंसाफ करेगी तो फातिमा ज़हरा कितना इंसाफ करने वाली है। तो अगर हम किसी मोमिन का दिल दुखाए क्या जनाब ज़हरा हमसे राजी होंगी? सब खुद वाज है। जब देखे आले मोहम्मद का रास्ता अल्लाह का रास्ता, आले मोहम्मद का तरीका अल्लाह का तरीका, ठीक है? यूं कहूं कि परवरदिगार की तमाम सिफात की मजहर ये आले मोहम्मद, बेशक बेशक। अगर किसी को खुदा की करीमी समझनी हो तो अहले बैत की करीमी को देखे, अगर किसी को खुदा की कुदरत समझनी हो तो अहले बैत की कुदरत को देखे, खुदा का निजाम समझना हो तो अहले बैत की जिंदगी को देखे। याद रखे खुदा के निजाम में ये जो जर्रा बराबर विजय करेगा उसे जगह मिलेगी, जो जर्रा बराबर पेशा करेगा उसे सजा मिलेगी। निजाम में तस्वीर
अल्लाह का रास्ता जो अल्लाह का तरीका है वही अहले बैत का रास्ता अहले बैत का तरीका, तो जो अहले बैत का तरीका है वो भी यही है। जैसा करोगे ऐसा शिफा की मंजिल उसके लिए है कि जो किसी मोमिन का दिल दिल खराब करने वाला ना हो, दिल दुखाने वाला ना हो। याद रखिए अपनी जिंदगी में अपनी खबर को कहना, अपनी जिंदगी हम खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये जो हम मिसाले सवाब कर रहे हैं ना, ये मिसाले सवाब नेकियों में तो इजाफा करेगा, लेकिन जो उसके गुनाह हुए और गुनाह जो खुदा से मरबूत है वो कह रहे हैं खुदा माफ कर दे, लेकिन किसी मोमिन के दिलासा नहीं किया, किसी मोमिन का हक था है। अल्लाह का रास्ता हुआ है बैठ का जब तक वो मोमिन माफ नहीं करेगा जनाब सेलर माफ नहीं। अपनी जिंदगियों में ही अगर किसी का दिल दुखाया तो उससे हमारे अंदर ही बड़ी अजीब बात है, मुर्दा परस्त हो गए हम तो माजर के साथ जवानों से मुखातिब, सारी जिंदगी अपनी आना में रहते हैं ईगो, और जब एक खबर सुनते हैं तो मैयत पे जाके माफिया मांग रहे हैं, पता चलता है वो चीज उधर ठीक नहीं हो गई, कब्र पे जाके माफिया जिंदगी में मांग लो भाई, कोई किसी से मिलने नहीं जाता, भूखा मर जाए मरने वाला है? मरने के बाद खबर सुनी एक रात का खाना मेरी तरफ से जिंदगी में दे देते हैं, ठीक है ऐसा नहीं जिंदगी भर सताया किसी को, मरने के बाद पता नहीं किसको तसल्ली देते हैं, ये कहते हैं कि बाबू बहुत नेक इंसान है, मोहब्बतें बांटे, मोमिन मोमिन का एहतराम करें, वरना याद रखें ना जनाबे सैयदा शिफात करेंगी ना आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की शिफात उन्हीं के लिए है जो आले मोहम्मद के चाहने वालों का एहतराम है। अजमत जनाबे सैयद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद गुफ्तगू के दौरान कि बहने मां का बदल होती है, मां के बाद अगर कोई जा सकती है जानती थी जनाबे सैयदा, इसीलिए जब दरबार से वापस आई थी ना तो जनाबे कुबरा को बुला और ये जुमला कहा जैनब तुम अभी बहुत छोटी हो, ये वक्त इस वक्त तुमसे बात करने का नहीं, लेकिन मैं क्या करूं जैनब के अब मेरे पास वक्त नहीं रहा, क्या फलां जगह एक संदूक रखा है, संदूक तो ला, संदूक खोला एक कुर्ता निकला, कहा जैनब ये कुर्ता मैंने अपने हाथ से सिला, कहा मां मैं इस कुर्ते का क्या करूं, कहा देख तू बहन है मेरे पास अगर कोई हुसैन के नजदीक तरीन है तो वो तू जैनब हुए, जब मेरा बेटा रुस्तम के वक्त कर्बला में तेरे पास आए ना, जानती थी कि क्या होने वाला है, जानती थी कि ये मलाऊन दुश्मनान अहले बैत कातिलान अहले बैत फौज आशिया एक कुर्ता भी बदन पर नहीं रहने देगी, कहा जब वक्त रुसत मेरा लाल जैनब तुम्हारे पास आए ना तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी तरफ से ये कुर्ता तो मुझसे देवे तक आए, मां है मां और बहन सुनेंगे ता
कहते हैं जनाब इमाम हुसैन की गुर्बत का अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि जब सब शहदा शहीद हो चुके, वक्त रुखसत आए, खैमे जनाब जनाब थे वो संदूक में पाए और भाई को बोल दिया सारों कतार दोनों बहन भाई सारों कतार बोले और खूब मां को याद किया। यहां तक कि एक रिवायत है कि इमाम हुसैन गर्दश खा के गिर गए। रुखसत हुई, बड़ा मुश्किल था जनाब जनाब से रुखसत हो गया। जनाब अब सज्जाद तुम्हारे हवाले, जनाब अभी अहले हरम तुम्हारे हवाले, अब तो पीरे कारवां होने लगे हैं। रोने लगी तो इमाम हुसैन फरमाते हैं ए मेरी बहन सब्र करो, क्या खुदा सब्र करने वालों के साथ है और ये मेरा इम्तिहान तो बहुत छोटा है। ऐ जनाब तेरा इम्तिहान इससे कहीं जाएगा, तारीखी मकतल की रिवायत से चीज को एहसास कीजिएगा। कहते हैं कि इमाम हुसैन जंग के इतना शदीद हमला किया, इतना शदीद हमला किया कि फौजों के कुश्ते के कुश्ते और ये कहते जाते थे आओ अब्बास के भाई की तंगे, तुमने मेरा अकबर मार दिया, आओ कासिम के चाचा की तरफ देखो। आजाद तो मान कि मेरी जिंदगी में तो मेरी बहनों का पर्दा सलामत रहे। सुने एक जुमले का एहसास कीजिए। कहते हैं कि जब इमाम हुसैन जीन से जमीन पर आ चुके, अभी जिस्म में जान बाकी थी, जिस्म में जान बाकी थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई हुसैन के नजदीक जाता, तो किसी ने कहा अगर जानना चाहते हो कि हुसैन अब भी जिंदा है या नहीं तो कहो जैनब के खैमे को आग लगा दो। कहते ये जुमला कहा तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने अपने सर को जुम्बिश में लाए और कहा कि अभी हुसैन जिंदा है, इस नजीर जगह का बेहतरीन अजर व सवाब पाता हूं।
जिनके लिए मस्जिद बनाते की गई उनके नाम है अमार पालने वाले प्रभु के दर्जा को ग्रंथ گناہوں کو تمام حاضرین محفل حاضرین مجلس شرعی حوائج کو بھی بارگاہ میں قبول فرما حاضر میں آپ سے ملتمس نعمت رسول اللہ قیمت رسول اللہ امر و مقبول سید نبیر علی کاظمی ابن سید ذوالفقار احمد کاظمی اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہیں سعودہ کے درجات کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ